हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम लोग का गर्ल्स डे आउट है और मेरे बाल वगैरह सब सही से बन नहीं रहे बिल्कुल भी। पहले मैंने अपना बर्थडे का शूट करवाया, उसके बाद फिर मैं हजीरा के पास आ गई हूँ और यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ तैयार हो रही हैं। बच्चा कहाँ है आपका? अच्छा, मियां के पास है। ये सब शादीशुदा लोग हैं, उसमें मैं अकेली हूँ बच्ची। और हम हजीरा के घर पे हैं, वो देखिए। मैंने इयररिंग्स भी पहने। ओह माय गॉड, टू मच टेंशन भाई। क्या हो गया? क्या शी लुक्स, मतलब बड़ी बड़ी सा फील नहीं आ रहा इसकी तरफ, देखो ना। शादीशुदा फीलिंग आ रही है मतलब। तो गाइस, शी इज शादीशुदा, अबाउट टू शादीशुदा। गाइस गेस करें किस मंथ हजीरा की वेडिंग होने वाली है, आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छे से गेस कर लिया उसको इनविटेशन। तानिया की भी गेस करें। तानिया की भी गेस करें। तानिया की तो स्टोरी से पता चल ही गया होगा कि शादी 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 शादी। डेट कौन सी? हां बस, 2 महीने बाद मेरी शादी है। मुझे ऐसा मां बनना है कि अपने बच्चे को घर छोड़ कर आ जाऊं। बबल में नहीं। हेलो बड़ी फटाफट आई। मैं यू यादी नहीं वांट माय बबल। 5 बज के 7 मिनट हो रहे हैं, हमें डिफेंस फेस एड जाना है। बनिस्बत इनके घर वापस घर यहाँ आओगी ना? हाँ, मतलब साइड से बात है, सीन है हमारा। हाँ, सही है। यस, थैंक यू सो मच रीशे मैम। चले हम स्टैंड अप हो जाए। क्या ले लिया? बिल्लियों के बिस्किट। बिल्लियों के बिस्किट लेके घूमते। चले भाई चले। तो हम लोग जा रहे हैं लाफिस बाय। तानिया आगे बैठी है। मैं बोल रही हूँ स्त्री खराब ना, और हम यहाँ पे फंस फंस के बैठे, हमारी स्त्री खराब हो रही है। बाढ़ में जाए हम अच्छे लगे, सबके कैमरे ऑन है। सो इसी के साथ हम आपको एक अपडेट देने चले कि हजीरा ने करी कॉल। किसको? महनूर को। महनूर ने कहा आराम से आओ, अभी तो कोई भी नहीं आया, मतलब हम पागल हैं। आ जाओ, कोई मसला नहीं है, अभी तो वैसे कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, एक ही बात, तुम मर तो नहीं गई? टेक लगाई नहीं, मैं जिंदा है। सैया रहते जमनापार, उनकी लंबी मोटर कार। ये पढ़े लिखे होने के निशान है। नहीं, मैं अभी ना समझ रही हूँ, बोलती थी यार मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होती थी, अब मुझे क्या हो गया कि पूरी क्लास में भी मैं चुपचाप बैठी हुई होती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी, ये मुझे जिंदगी से तंग लग रही है। अंकल ना घर जाके बोलेंगे ये जो राइड मिली है ना बड़ी अजीब सी मिली है। अंकल कुछ कह रहे क्या? अंकल ने कहा तमीज से बैठी है। तानिया तुम कभी जितना भी व्लॉग कभी रिकॉर्ड कर ले सब पहले मैं डाल। मैं अपने जो मुझसे क्लोज होते ना, मेरे से क्लोज होते ना, तो मेरा गुस्से का पता है कि मैं गुस्से मेरा कैसा होता है, तो वो बुरा भी नहीं मानता। ये इन सब की बातें हैं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों हूं, ये सब ये शादीशुदा लड़कियां हैं मेरे अलावा, तो मैं क्या कर सकती हूँ जी। नहीं, अभी मेरी और तो निकाह तो हुआ हुआ है ना, तुम लोग का दो की शादी हो गई, रुखसती हो गई, दो का निकाह हुआ है अभी हमारे, उसके बाद बोलना शादीशुदा ही हो, निकाह हो गया शादीशुदा, पता नहीं क्या ये लोग समझते नहीं है। आप बताए, निकाह के बाद शादीशुदा नहीं हो जाता? हाँ, हो जाता है एक तरीके से। ये अपने बच्चे को छोड़कर आती है, फ्रॉम नहीं समझ नहीं आ रहा है कोई मसला है। ये ऐसी मामा के ना कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या बोला जाएगा। तो हम लोग की स्त्रियाँ खराब हो गई हैं, स्त्रियाँ मतलब हमारे, ये देखें हम लोग की एक एक कपड़े की स्त्री खराब हो गई। या नहीं है 200 बहन, नहीं 200। चलो भाई चलो भाई, हम बड़े नोट रखते हैं, हम छोटे नोट थोड़ी रखती है। What is this 100 rupees? 150, 200. Oh my God, 214 Pro Max. This non-PT. वो की तरफ खड़े। किससे? वो अच्छी अलीशा टिस्टिक आई है। अच्छा अलीशा, वो तो फिर दोस्त है अपने। महानूर वेलकम टू दी ब्लॉग। थैंक यू व्लॉगर्स है महानूर। अच्छी लड़की है, रिश्ते लीजिएगा। सिंगल है, बहुत अच्छी है, अच्छी करीब रहती है मेरे घर के, मुझे बता देना मैं करवा। आप आमना को बता दीजिएगा, लेकिन आमना सोक से निकले तो कभी मैच का सोक, कभी बिग बॉस का सोक, इनको सोगी। आज बिग बॉस का प्रीमियर है, मैंने घर भी देख लिया। एक्साइटेड? यस आई एम एक्साइटेड। अंगूठी शो कर रही है, मीन्स एंगेजमेंट हो गई है? नहीं, सिंगल मैन। सब शादीशुदा औरतों से बताइए, सारी शादीशुदा किसी की रुखसतियाँ हुई हुई हैं,
दो की रुक सकती हूँ, एक का तो बच्चा भी है, एक का बच्चा भी और मैं अकेली ठहरी ना मम्मी ना रिश्ता ना कोच। तो बस देखो सब पता है, सब मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, होने वाली है। बेसिकली हम लोग ट्रायल सैलून के ओपनिंग में आए थे, ओपनिंग सेरेमनी में, क्योंकि इनकी डिफेंस फेस एड में न्यू ब्रांच खुली है, अभी देख सकते हैं। और वाकई में बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है, मतलब इनकी ये बैक की ना, ये लाइक फ्रंट की जिनकी अरेंजमेंट है बहुत अच्छी है। अभी देखिए, ओह अगेन हाय, कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। ओ माय गॉड, अभी भी आप हंसी नहीं लग रही है। ये हम लोग की दूसरी मुलाकात है, अनएक्सपेक्टेड दूसरी मुलाकात। इसी के साथ हम अंदर बैठ चुके हैं और आते ही साथ में एंटर इनका कैफे है, मतलब इन्होंने अपना कैफे भी नहीं छोड़ी बोले। और अभी देखो, हां हां चलो ठीक है भाई, हमें फोटोग्राफर को कॉल करके पिक्चर्स लेंगे। देन इन्होंने ब्लॉग बनाना कसम से, मैं इतने पेंडू आती हूं ऐसे ही हूं। ये भाई क्या करें, ब्लॉग चैनल भी जो है ना वो भी करना, और 100 के नहीं किए तुम लोग अभी तक हैं। सीरियसली बहुत बहुत हिम्मत का काम है लाइफ में, बाकी में हिम्मत का काम है पता है क्या है, मुझे लगता है कि शायद अगर आप अकेले हो तो आप नहीं ब्लॉग कर सकते हो, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो ना तो फिर आपकी इजीली ब्लॉगिंग हो सकती है। तो गाइस वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स, ओके ये न्यू फ्रेंड्स। अभी हम इंस्टा पे फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम व्लॉग स्टार्ट करने वाले, तो करो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करो अभी करो। हम लोग यहाँ पे 1-2 पे कर रहे हैं और हम लोग ये देखो इतना रश हो रहा है, हमने कहा शायद कोई आ गया और हम लोग लिफ्ट के साथ चलो आ जाओ। अब मान लो यहाँ पे कुछ है। ओ माय गॉड, आयशा अफरीदी को वेलकम करें इस व्लॉग में, और ये भी व्लॉग बना रही है, इनको भी सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, बस सिस्टर व्लॉग बना रही है सिस्टर। इन लोग का फैमिली फंक्शन यहाँ शुरू हो गया कि क्यों नहीं आई, बिकॉज मैं रात के 11 बजे घर आई। तुम क्यों नहीं आई? तुम बेटा तुम्हारे से भी नफरे थे ब्लॉग कर। तुम्हारे नहीं नहीं इससे नफरे थे हम लोग। मैंने मेरे घर बोला के पहले वैसे ही आ सकती है। इतनी प्यारी है आप मैम, प्यारी है क्या, क्यों है प्यारी की मोहब्बत है और कुछ नहीं है। सो ये कि बहुत रश है और हमसे पिक्चर्स ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा इतना रश क्यों है, लेकिन है भाई, हमारी गलती नहीं है, हम लेट कर रहे हैं। ये देखिए हम फिरोज खान दी ग्रेट, रश टू मच रश, आई डोंट लाइक रश। हम लोग हो सकते हैं, तुम्हारे शोहर ने एक मैसेज किया है, मैंने उसको हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल बेस पर, मुझे जवाब नहीं दिया। प्रोफेशनल हो गए, बताती हूँ अभी मेरे को। हमें बोला था कि हमें कैप्चर करना है दैट फिरोज खान जब आएगा तो हम नहीं कर सकते बिकॉज रश है। लाइक हाउ एक्सक्यूज नहीं करती हम कैसे करें दगाबाजी इंसान की कभी खत्म नहीं होती, दगाबाजी इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। देखें यहाँ पे सीट्स कौन सी लगाएंगे मैम, वो वाली, और अगर वो आए हमें बोले कि मत कैसे हमारी कैसे भी हम चीयर्स ले लेंगे ब्लॉगर्स। हम लोग ने यहाँ पे बहुत फोटो सेशन कर लिया, बहुत पिक्चर्स हो गई हैं, और हम सब ने ना इनवाइट किया है जस्ट लीविंग, बस ज्यादा घर जाना है आपको तो जाना भी चाहिए। सिट डाउन हो जाएं आप, सिस सिस सिट, नो हील वेयरिंग, सिट ओनली, ओके। This frog is from Knockout. Yes. Oh. Because I have seen in lavender color. Oh yeah. तो गाइस जो भी हैं कुबराबाजी आ रही हैं, यहाँ पे कटिंग सेरेमनी है रिबिन की। कटिंग सेरेमनी है रिबिन की, मैंने ये क्या बोला है? Am I dumb? Yes, I am. कटिंग सेरेमनी है रिबिन की। कुबरा is not here. Feroz Khan is over here, guys. You can see. इसी के साथ साथ हमारी हो चुकी है बस, क्या हो गया? तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और ये एंड ये पहले नहीं आ सकती थी गाड़ी, अब कपड़े खराब होंगे तो अब आ रही है। सो ओके गाइस वी आर मूविंग हजीरा होम, तो कांटगी में बैठना है, वो कह रही है मैं पीछे नहीं बैठूंगी, मैंने बोला मैं सीट। ओके बाय। तो इसी के साथ हम लोग घर आ चुके हैं हजीरा के, और ऐसा लग रहा है कि हमने कोई पहाड़ तोड़े हैं, थक गए हैं। और यार ये तुम कैसे कर लेती हो, ये देखिए सामने, ये
मेरे तो इतने ड्रामे है इसमें, तुम्हारे निकालने में भी ड्रामे। हाँ तो तुमने देखा नहीं है, डालते हुए तो मैंने देखे है। I am very tired. We all are tired. वो देखे सिंधी मानू बगल में जा रही। ये तो सुरखाब थी, सुरखाब इज हियर। मुझे पिक्चर्स नहीं आके दे रही ना, मैंने अपना बर्थडे का शूट करवाया अभी तक, हट रही है मेरी, आपको पता है। और लाइक मुझे 12 बजे पोस्ट करनी है। ओ माय गॉड, सेलिब्रिटी प्राउड बीवी, प्राउड बीवी को देखो, प्राउड बीवी कैसे बता रही है अपने शोहर को, मैंने आज व्लॉग बनाया हमजा। तुम क्यों आ गए हो छपड़ी, छपड़ी छपड़ी से तो तुम लोग मिलकर आ रहे हो। अभी हम सब गोलगप्पे वोलगप्पे खा के बैठ चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। क्या हुआ भाई, फारिग नहीं हुए क्या? ये लोग सब मुझे बर्थडे की ट्वीट देने लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? माशाल्लाह से कहाँ पे? अल रहमान। मैंने बोला कि हमजा मैं रात में चावल नहीं खाती हूँ, टाइम हो रहा है, तो उसने कहा, फिर ट्रेनर ने बोला ईट इट, ईट इट, ईट इट, यू कैन ईट इट, यू कैन ईट इट। ये का बंदा तो ग्रेट है गाइस, बीवी भी ग्रेट है इसकी तो। ये इसने आज मेरा वर्क किया है ना, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क कर डाला है। सो ही इज वेरी मच नाइस मैन, सी 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 सी, ही इज रिच एंड ही इज गुड। गाइज आप ये देखें, जब हम लोग यहाँ पे स्वीट क्रीम पहुँचे थे, यहाँ पे ना इतना रश था, और ना मजे के बाद अभी आंधी आ गई है, और आंधी आई सब खा गए, हमें मिल गए, हम लोग का स्वैग है भाई, और इस बंदे ने हमें ज्वाइन किया है। सही से लाफ करो, क्या लाफ कर रहे हो? मैं 22 साल की हो रही हूँ, आई एम स्वीट 15 गाइस, आई एम जस्ट स्वीट 15, बस मैं 15 की हो गई हूँ, और एक्सट्रीम लेस आंधी आ गई है, एक्सट्रीम लेस, मेरी बर्थडे पे, मेरी बर्थडे पे ये सब, मैं कितनी लकी हूँ, माय गॉड, बस बस तानिया ने बोला इससे पहले मैं उड़ू और निकलो, तानिया बोली आधी आधी पे पकवा लो ताकि वो कैंसिल कर दे। मुझे एक बात पूछनी है, ये एंड्राइड वालों को किसने बताया कि आंधी आने वाली है? तुम्हें बोलो लाइव हो ही नहीं रही थी, आंधी आंधी है मंगवा लो ताकि वो कैंसिल, बारिश तो नहीं हो जाएगी गाइस, गाइस उधार मोबाइल लिया है इसका, बारिश तो नहीं हो जाएगी, कोई बताओ कौन सा घंटा, बारिश हो गई, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस बस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, अरे खुद ही गा लिया, हैप्पी बर्थडे। तो गाइज मैं ना अभी अभी घर आई हूँ, और 12:10 हो रहे हैं, तो अम्मी तो मुझे मुंह नहीं लगाती है, कहती है तुमने कौन सा तीर मारा है पैदा होके, लेकिन जो ये मेरे पापा है ना, बिल्कुल मस्त तैयार होके चश्मा लगा के, क्या बोले, हेलो हाय भाई, मैं तुमको एक बात ये कहना चाहता हूँ, तुम 22 साल के हो गए, तो तुमको क्या कहते हैं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी बात में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट आमना, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये मुझे पापा ने क्या मस्त विश किया है, आप देख सकते हैं, और एकदम पापा आपकी दुआओं, आप लोगों ने दुआएं की थी, तो पापा एकदम मस्त हैं, एकदम आप देख सकते हो। मेरी अम्मी ने कहा, मेरा भाई तो मुझे पूछ ही नहीं रहा है, मेरा भाई तो ऐसा हुआ है भाई, वो गाड़ियों में मस्त है, वो सो रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है। तो खैर इसी के साथ साथ आज का दिन बहुत अच्छा था, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय।